हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर मोड या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर। मतलब कहने का क्या है कि जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद जब हम उसको डिकोड करेंगे तो हमें ऑपकोड और ऑपरेंड की वैल्यू, यानी ये वाली जो फील्ड है जिसको हम एड्रेस फील्ड भी बोल देते हैं, ये फील्ड क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी रजिस्टर का नंबर। मतलब कोई भी रजिस्टर यहां पे R1, R2, कोई भी रजिस्टर यहां पे हो सकता है। तो यानी रजिस्टर नंबर इज रिटन इन द इंस्ट्रक्शन। तो यानी आपको उस रजिस्टर पे जाना है, वो रजिस्टर पे आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। जो एक्चुअल में डेटा है वो कहां पे पड़ा है, रजिस्टर के अंदर पड़ा है। तो आप उस रजिस्टर पे जाओ, उस रजिस्टर में जाके आप उस डेटा को उठाओ। तो उस रजिस्टर का नंबर कहां पे होगा, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे। जैसे अगर मैं लिखता हूं लोड R1, तो अगर मैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहा हूं तो एक्यूमुलेटर का फंडा क्या है यहां पे कि हमें एक्यूमुलेटर के अंदर R1 की वैल्यू को लोड करना है। तो यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है LDR1, इसमें ये R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। मतलब ये वाली जो एड्रेस फील्ड है उसमें आपको क्या लिखा मिलेगा, R1। तो यानी आपका जो ऑपरेंड है, जो एक्चुअल में डेटा है, वो कहां पे पड़ा है, इस R1 रजिस्टर के अंदर पड़ा है। तो आप उस जगह पे जाके वहां से डेटा जो है वो उठा सकते हो। मतलब मल्टीपल रजिस्टर्स है हमारे पास, उन मल्टीपल रजिस्टर्स में कहीं पे भी आपका डेटा पड़ा हो सकता है। लेट्स से कि अगर मेरे सिस्टम में 16 रजिस्टर्स हैं, तो 16 रजिस्टर्स को मैं 0 से 15 तक क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 0 से 15 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यानी ये क्या होगा, 0000 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1111, मतलब 4 times 1। तो यानी अगर मेरे पास 16 रजिस्टर्स हैं तो 16 रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 4 बिट लगेंगी। तो ये जो एड्रेस फील्ड है, ये जो ऑपरेंड फील्ड है इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन की उस ऑपरेंड फील्ड में क्या लिखा होगा, वहां लिखा होगा ये नंबर। मतलब 0000 या फिर 0001 करते करते आपका 1111, इनमें से कोई भी नंबर यहां पे हो सकता है। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप उस रजिस्टर नंबर पे जाके वहां पे जो भी डेटा पड़ा है, लेट्स से ये रजिस्टर नंबर पे आपका डेटा पड़ा है 200, तो आप यहां पे R1 मिलेगा, आप R1 पे जाओ और R1 में जो भी डेटा पड़ा है वो एक्चुअल में आपका ऑपरेंड है। तो इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का मतलब है कि आप R1 में जाके वहां से डेटा जो है वो फेच करो। डायरेक्ट यहां पे ऑपरेंड नहीं पड़ा, आपको मिलेगा रजिस्टर का नंबर। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे R1 ले लिया, कोई भी रजिस्टर का नंबर हो सकता है, 000 से लेके 1111 तक। अगर हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं, 32 रजिस्टर हैं तो कितना हो जाएगा, 5 बिट हो जाएंगे, 64 रजिस्टर हैं तो 6 बिट्स हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो है ये एड्रेस फील्ड रिप्रेजेंट करेगा रजिस्टर का नंबर। तो आप उस रजिस्टर पे जाके वहां पे जो भी डेटा पड़ा है उसको उठाओ, दैट इज योर एक्चुअली ऑपरेंड, वो एक्चुअल में आपका क्या है, डेटा। तो ये है एक्चुअल में रजिस्टर मोड। तो रजिस्टर मोड क्या, अगर हम बात करें कि बेनिफिट क्या है, क्या एडवांटेजेस है, तो पहला एडवांटेज तो यही है कि जो इंस्ट्रक्शन का साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। रीजन उसका क्या है कि हमारे पास जनरली सिस्टम में रजिस्टर जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर यही हम मेमोरी की लोकेशन देंगे तो मेमोरी जो है वो काफी बड़ी होती है, तो मेमोरी की लोकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन को साइज को बढ़ा देगी। लेकिन यहां पे अगर हमारे पास रजिस्टर है 16, तो 16 रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 4। तो यानी आपकी ये वाली जो फील्ड है ऑपरेंड या एड्रेस फील्ड है, ये इंस्ट्रक्शन की फील्ड आपकी कितने बिट की हो जाएगी, 4 बिट की। और दूसरा क्या है यहां पे, स्पीड। क्योंकि रजिस्टर मोड मतलब जो डेटा आप ढूंढ रहे हो, जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है, वो डेटा आपका कहां पड़ा है, रजिस्टर के अंदर पड़ा है। और अब तक की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। तो यानी आपको जो ऑपरेंड को ढूंढने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप तुरंत उस ऑपरेंड पे जाके अपना डेटा जो है उसको उठा सकते हो और वो आगे ALU को देके आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द फंडा ऑफ द रजिस्टर मोड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।